आफ्टरनून, कैसे हैं? मुझे पता है आप लोग ठीक हैं और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आनू भी स्कूल से आ गई है, आज उसका एग्ज़ाम था तो वो 1:30 बजे उसका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो वो भी घर 2 बजे तक आ गई थी। और बच्चों के लिए मैंने खाना बना लिया है। आज मुझसे कल कह के सोई थी कि आप अच्छा खाना नहीं बना रहे हो। रोज़ मुझे यही, आज कुछ अच्छा बना दो प्लीज़ मम्मी, रिक्वेस्ट है मम्मी, प्लीज़ मम्मी। तो फिर मैंने उसके लिए आज राजमा चावल बनाए हैं और बन के रेडी हो चुके, बस उनको खाना कर देती हूँ, फिर थोड़ी देर बच्चों को साथ, ट्यूशन भी जाना है बच्चों को। राजमा चावल, बस इसमें धनिया नहीं डाला है आज मैंने। बताएगा मिष्टू कैसे बना है सच्ची में? अयु कैसे बना है? किया और मैंने बच्चों के लिए बनाई है चाय और फैन खा रहे हैं। सुबह से मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि पता नहीं जो स्कैम वाले होते, जो स्कैम करते हैं ना, उन लोगों का सुबह से पता नहीं मेरे पास कितने फ़ोन आ चुके हैं। और आए भी है तो आप लोग भी सुन के हंसेंगे, लेकिन ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग भी सतर्क हो जाइए कि कितना फ्रॉड चल रहा है दुनिया में। और एक बार को तो मैं थोड़ी सी, जब उसने मुझसे ऐसे बात बोली तो एक बार को मैं चुप भी हो गई थी। उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोला कि हेलो मैडम, आपका ना गलती से मेरे आपके पेटीएम में ना हमारा ना पैसे आ गए हैं। तो मैंने पूछा कितने आ गए हैं, तो उन्होंने बोला 200 रुपये। तो मैंने कहा मैडम एक्चुअली ये है कि मैंने तो अपना अकाउंट बंद करवा रखा है क्योंकि मेरा तो अकाउंट है ही नहीं अभी फ़िलहाल, और पेटीएम वगैरह मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो मेरे तो आपका कोई बैलेंस नहीं आया इसके अंदर। तो कहती है नहीं, मेरे बच्चे बीमार हैं और गलती से आपके में आया है 200 रुपये। तो मैंने कहा अगर आपने किया भी है तो मुझे लाओ आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि किधर आपने पेटीएम करा है, तो मैं वो स्क्रीनशॉट देख के आपको देखती हूँ कि कहाँ पे पैसे आए हैं। तो उसने फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद ही उसके हस्बैंड का फ़ोन आता है। उसका हस्बैंड कहता है कि मैडम आपके ना अकाउंट में 300 रुपये आए हैं। तो मैंने कहा कि 300 रुपये आए हैं? मैंने कहा आज क्या हो रहा है, कभी कोई लेडी फ़ोन करके बोल रही है कि 200 रुपये आए हैं और अब आपका फ़ोन है? तो वो कहता है वो मेरी वाइफ है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आपकी वाइफ थोड़ी देर पहले कह रही थी कि 200 आए हैं और अब आपने एकदम से 100 बढ़ा दिए, 300 आए हैं? कह रहे हाँ 300 ही आए हैं। तो मैंने कहा ऐसा है, अगर आपने कहीं भी करा है तो मेरे को ज़रा एक बार स्क्रीनशॉट भेजिए कि कहाँ भेजे हैं आपने पैसे। तो उन्होंने कहा कि चलिए, फ़ोन काट दिया। उसके बाद फिर फ़ोन आता है, फिर कहते हैं कि मैडम पैसे भेजो। मैंने कहा कहाँ से भेजूँ, कहाँ भेजे आपने? आप मुझे पहले इन्फॉर्मेशन दीजिए कहाँ भेजे, स्क्रीनशॉट भेजिए कि कहाँ आपने पैसे ट्रांसफ़र करें। तो फिर फ़ोन काट दिया। ऐसे कर करके उन्होंने मुझे 3-4 बार पहले ऐसे ही कॉल किया। जब हुआ, जब उन्होंने पहले अलग फ़ोन से कॉल किया मुझे और फिर दोबारा दूसरे कॉल से मुझे फ़ोन करा, उसके बाद उन्होंने मुझे 5-6 कॉल किए। तो 5-6 कॉलों के जब उन्होंने मुझे कॉल किया तो सबके नंबर चेंज। तो फिर मैं समझ गई कि ये कुछ ना कुछ फ्रॉड हो रहा है मेरे साथ। उसके बाद उन्होंने मेरे को फिर फ़ोन करके कहते हैं कि अगर आपने पैसे नहीं भेजे ना तो हम पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। तो हमने कहा अच्छा आप ऐसे करेंगे तो हम ही आपकी रिपोर्ट कर देते हैं। उसके बाद तो वो हमारे ऐसे पीछे पड़े, उसने 10-15 मेरे को 33 कॉल करी हैं और वो भी अलग अलग फ़ोन से। तो मैं आप लोगों को यही बता रही हूँ कि आप लोग भी सतर्क हो जाइए, बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। और बस वो हमसे अपना वो पेटीएम नंबर लेते और हमारे अकाउंट से हमारे सारे पैसे गोल कर देते। तो मैं इसीलिए आप लोगों को ये कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ सावधान रहें और सतर्क रहें।